भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को कई दिन गुजर चुके हैं। टीम इंडिया के फैंस का जश्न भी करीब करीब पूरा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में मातम अब भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घर जाने में डर लग रहा है और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज ने टीवी पर एक इंटरव्यू में जो कहा उसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। तो सरफराज ने पाक टीवी पर क्या खुलासा किया ये आपको बताते हैं, लेकिन आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही सरफराज की बेबसी और पाकिस्तान के हालात पर कमेंट करना ना भूलें। दरअसल सरफराज ऐसे कप्तान बन गए हैं जो वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत से बिना लड़े ही हार मान गए। अब इसके बाद पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। फैंस पूरी पाकिस्तानी टीम पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी कप्तान सरफराज ने द न्यूज को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि अब उन्हें घर पहुंचने से भी डर लग रहा है, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी होता है। लेकिन इसी बीच सरफराज ने अपने खिलाड़ियों से भी कहा है कि मैं अकेले घर नहीं जाऊंगा, सभी खिलाड़ी साथ में जाएंगे और सभी के साथ वही होगा। इसीलिए हमें आगे के मैच में अच्छा खेल दिखाना होगा, जिससे फैंस शायद हमारी गलतियां माफ कर दे, नहीं तो जलालत झेलने के लिए और मार खाने के लिए तैयार रहे। यानी सरफराज ने साफ साफ मान लिया कि पाकिस्तान पहुंचने पर उनके साथ क्या होने वाला। उन्होंने अपने टीम के साथियों को भी ये बता दिया कि इस सब के जिम्मेदार वो अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम है। तो आपका सरफराज के इस बयान पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।